गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आदित्य शर्मा, योर सोशल साइंस टीचर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन, पावर शेयरिंग। बेसिकली इस लेसन में हम क्या पढ़ते हैं? क्लास 9th में हमने देखा डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के हमने फीचर्स पढ़े, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पढ़े। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल, मीन्स पीपल रूल देमसेल्फ, अपने आप को रूल करते हैं। तो इट मीन्स पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है? पावर शेयर टू मैक्सिमम पीपल, पावर्स को हम शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल्स में, तो ही ट्रू सेंस में हम अपने नेशन में डेमोक्रेसी को सेटअप कर पाते हैं। तो इन दिस लेसन वी स्टार्ट द लेसन फ्रॉम द टू डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द डिफरेंट नेशन। हम दो अलग अलग देशों की कहानियाँ पढ़कर या कहानियाँ सुनकर इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लेसन, जो फर्स्ट हमारा कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ यूरोपियन कंट्री। बेसिकली बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, स्मॉल सा नेशन है। इंडिया की स्टेट जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा के कंपैरिजन का वो स्टेट है, नेशन है, 1 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन बेल्जियम की डिफरेंट वे में वैरायटी ऑफ डिवीजन्स हैं। जो मेन डिवीजन है, मेन डिवीजन है लिंग्विस्टिक डिवीजन, मींस लैंग्वेज के बेसिस पर, भाषा के आधार पर वो बटे हुए हैं। बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन का जो 59% पार्ट है, 59% पार्ट मींस मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ये स्पीक करते हैं डच लैंग्वेज। डच लैंग्वेज को ये स्पीक करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ द बेल्जियम। सेकंड पोर्शन, सेकंड जो ग्रुप है, 40% पीपल वहाँ स्पीक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। सेकंड ग्रुप है, 40% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% जो रिमेनिंग 1% पीपल है जर्मन लैंग्वेज को स्पीक करने वाला। यस, मींस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बेल्जियम इज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं। 59% डच स्पीकिंग पीपल है, 40% वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, और जो 1% है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। कंट्री बेसिकली 2 रीजन्स में डिवाइड है, मींस कंट्री में 2 मेन स्टेट्स हैं, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, जहाँ पर डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी लिव करती है। कंट्री का कैपिटल ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम का जो कैपिटल है, बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन ओवरऑल कंट्री के एथनिक कंपोजिशन से डिफरेंट है। जो ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन है, ब्रुसेल्स में 20% डच स्पीकिंग पीपल रहती है और 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। मींस कंट्री में मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल, लेकिन अगर हम राजधानी केवल कैपिटल की बात करें तो कैपिटल के अंदर जो 80% पीपल हैं वो हैं फ्रेंच पीपल, जो ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी ग्रुप में कंसिडर है। तो इट मींस नेशन की मेजॉरिटी और कैपिटल की मेजॉरिटी डिफरेंट है। तो जो मेन प्रॉब्लम है इन बिटवीन द डच कम्युनिटी और इन बिटवीन द फ्रेंच कम्युनिटी, वो मेन प्रॉब्लम है कि फ्रेंच कम्युनिटी कंट्री में मेजर माइनॉरिटी ग्रुप में है, लेकिन कंट्री में पावरफुल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो पावरफुल कम्युनिटी है वो है फ्रेंच कम्युनिटी। और जो कंट्री में मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ना तो उतने पॉलिटिकली स्ट्रांग है, ना ही वो उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और एजुकेशनली भी वो फ्रेंच कम्युनिटी से थोड़ा बैकवर्ड है। तो मेन प्रॉब्लम उनके बिटवीन क्या हुई कि कंट्री में पावर्स मेनली होल्ड करती है फ्रेंच कम्युनिटी, जो कि वहाँ माइनॉरिटी में है,
और डच कम्युनिटी के पास उतनी पावर्स, उतनी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल पावर्स हैं वो उनके पास उतनी नहीं हैं। इससे अगर हम आगे चलें थोड़ा, तो हम बात करें अगर द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। रिच है, पावरफुल है फ्रेंच कम्युनिटी। दिस वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स या डेवलपमेंट्स के जो बेनिफिट्स मिले वो फ्रेंच कम्युनिटी से काफ़ी बाद में मिल रहे हैं। तो इट मीन्स जो ट्रू सेंस में टू कम्युनिटीज़ के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट है, टू कम्युनिटीज़ के बिटवीन जो झगड़े हैं, मतभेद हैं, वो इस बात को लेकर हैं कि डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में होते हुए भी उतनी पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है, ना ही उतनी वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली रिच है। तो दोनों के बीच में जो टेंशन्स हैं, टेंशन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया कब से, 1950 से 1960 के बीच में। दोनों जो कम्युनिटी हैं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, उनके बिटवीन प्रॉब्लम्स इंक्रीज होना, जो झगड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बढ़ने शुरू हो गए। अगर हम अब बात करें दूसरी कंट्री श्रीलंका की, तो श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री, 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ। किससे? जैसे इंडिया कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू, सेम एज श्रीलंका, श्रीलंका भी कंट्रोल था, श्रीलंका भी कॉलोनियल नेशन था ब्रिटेन का। वन ईयर आफ्टर इंडिया की इंडिपेंडेंस से, वन ईयर आफ्टर ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को इंडिपेंडेंट दी इन 1948, श्रीलंका एक वो कंट्री बना, इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जो श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन है, श्रीलंका में जो पीपल डिवाइडेड थे वो बोथ टाइप से डिवाइडेड है, मींस टू टाइप के डिविजन्स हैं, रिलीजियस डिविजन्स और द लिंग्विस्टिक डिविजन्स। वो धर्म के आधार पर भी बटे हुए हैं और भाषा के आधार पर भी। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो श्रीलंका की जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र की, तो श्रीलंका की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो वहाँ सबसे ज़्यादा बोल भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, सिन्हाला, सिन्हाला कम्युनिटी को पावर ट्रांसफ़र की गई। सिन्हाला कम्युनिटी, श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी की पॉपुलेशन है ओवरऑल पॉपुलेशन का 74%। अनदर मेजर ग्रुप जो है श्रीलंका का, वो है 18% तमिल पीपल। बट तमिल पीपल्स टू वेज में डिवाइड हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स हैं 13% हैं वहाँ श्री लंकन तमिल्स, और 5% हैं इंडियन तमिल्स। श्रीलंका और इंडियन तमिल्स में डिफरेंस, श्रीलंकन तमिल्स कौन है? जो परमानेंट नेटिव हैं श्रीलंका के और स्पीक करते हैं तमिल लैंग्वेज। इंडियन तमिल्स ऐसे पर्सन्स हैं जिनके फोर फादर्स कॉलोनियल पीरियड के ड्यूरिंग इंडिया के प्रोविंस तमिलनाडु से माइग्रेट होकर श्रीलंका में अब सेटल्ड हो गए हैं। ऐसे तमिल पर्सन्स को हम कह रहे हैं श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन अगर हम दोबारा से देखें, तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन है 74% है सिन्हाला, 18% है वहाँ पर तमिल, और तमिल हैव टू ग्रुप सब ग्रुप्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स, 5% है वहाँ पर इंडियन तमिल्स। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को पावर ट्रांसफ़र हुई इन श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। अब 1948 से लेकर 1956 तक जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, श्रीलंकन गवर्नमेंट मेजॉरिटी पॉपुलेशन के थ्रू गवर्न हो रही है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के थ्रू रूल वहाँ पर चल रहा है।
1956 श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिसको हम कह रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो मेजोरिटी पीपल्स रूल। इन 1956 श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो श्रीलंका की सरकार है, उसने एक कानून बनाया, उसके अकॉर्डिंग श्रीलंका का जो रिलीजन होगा वो होगा मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिलीजन बुद्धिज़्म। मींस जो सिन्हला पीपल का रिलीजन है, सिन्हला पीपल जिस धर्म को मानते हैं, अपना रखा है, उसको ही वो अपने कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल धर्म डिक्लेयर कर रहे हैं। अनदर पॉइंट क्या उनका पॉइंट था, जो सिन्हला पीपल की लैंग्वेज है वही कंट्री की मेन लैंग्वेज होगी, उसी कंट्री उसी लैंग्वेज को कंट्री की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी। ये उसका सेकंड पॉइंट। थर्ड, जो सिन्हला पर्संस हैं, सिन्हला पीपल है, उनको ही यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की मेरिट लगती है उसमें उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिन्हला कम्युनिटी के जो पर्संस हैं उनको ही मेन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी श्रीलंका की गवर्नमेंट। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, मेजॉरिटी रूल का एक्ट पास किया, उसके अकॉर्डिंग जो मेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हों, नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड कर रही है अपनी मेजॉरिटी पीपल को। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर रहने वाले लोग हैं, कम लोग हैं, उनको उनकी लैंग्वेज को ना तो वो प्रॉपर प्लेस दे रहे हैं, ना उनको प्रॉपरली एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही उनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जो नीड्स और विशेज़ हैं उनको मेजॉरिटी कम्युनिटी सप्रेस्ड कर रही है। मेजॉरिटी कम्युनिटी उनकी विशेज़ को, उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी को और इक्वल राइट्स को डिनाई कर रही है। तो इट मीन्स कि अगर हम श्रीलंका की टेंशन की बात करें तो श्रीलंका में मेन टेंशन क्या स्टार्ट होनी शुरू हुई, इन आफ्टर द एक्ट पास बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट इन 1956, ऑल दीज कमिंग मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। मीन्स फीलिंग ऑफ अलाइनेशन, फैमिली में भी अगर टू चिल्ड्रंस हैं और आप एक चिल्ड्रन को किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो जो दूसरा वाला बच्चा है उसके मन में एक ऐसी भावना जन्म लेगी कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो बड़े भाई को या बड़ी बहन को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो सेम फीलिंग जो है श्रीलंकन तमिल्स और जो इंडियन तमिल्स हैं, मीन्स जो तमिल ग्रुप है श्रीलंका का, उसके मन में एक अलाइनेशन की फीलिंग डेवलप होने लगी, अलग मानने लगे वो अपने आप को। सेम नेशन में रहते हुए भी अपने आप को वो एक अलग नेशन में रहते हुए लोग जैसे मान रहे हैं। एज द रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला कम्युनिटी और द तमिल कम्युनिटी इंक्रीज। मींस जो श्रीलंका की कम्युनिटीज़ हैं, जो टू मेजर कम्युनिटीज़ हैं, सिन्हला और तमिल्स, उनके बीच में जो फीलिंग है अलाइनेशन की वो इंक्रीज़ हो रही है। श्रीलंकन गवर्नमेंट सिन्हला पर्संस को प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम बेनिफिट्स, जिसकी वजह से जो तमिल कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है, अपनी गवर्नमेंट से नाराज़ हो रही है एक तरह से। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स। श्रीलंकन गवर्नमेंट की अगेंस्ट जो तमिल ग्रुप्स हैं, तमिल ग्रुप्स ने पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट ग्रुप्स और अनदर टाइप ऑफ यूनियंस ये फॉर्म की और गवर्नमेंट से वो इक्वल राइट्स को डिमांड कर रही हैं। बट द डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स डिनाइड फ्रीक्वेंटली बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। लेकिन जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो बार बार तमिल्स की जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स की, या अपनी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड करने के जो उनके मूवमेंट्स हैं, जो उनके आंदोलन हैं, उनको वो फ्रीक्वेंटली सप्रेस्ड कर रही है। रेगुलरली उनकी जो डिमांड्स हैं उनको वो दबा रही है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इन टू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इट सून इन टू द सिविल वॉर। वेरी सून जो ये श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हला कम्युनिटी का जो टेंशन है, जो उनके झगड़े हैं,
तो ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। सिविल वॉर क्या होगी, जब किसी एक नेशन में टू ग्रुप्स डिवाइड हो जाएं और वो दोनों ग्रुप्स आपस में ही आर्म्ड वॉर लाइक स्ट्रगल, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, जब वो आर्म्ड हो और आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगें, लड़ाई करने लगें, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सिविल वॉर की कंडीशन। द सिविल वॉर कॉज द टेरिबल सेटबैक टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। एज यू नो, जब कभी भी किसी कंट्री में वॉर स्टार्ट हो तो वो कंट्री इकोनॉमिकली, उसका डेवलपमेंट, उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, ये सब उससे अफेक्टेड होती है। तो श्रीलंका की जो टू मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनके बिटवीन जब श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो श्रीलंका का डेवलपमेंट, श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, श्रीलंका की सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना है या उनका जो कल्चर है वो सब उससे अफेक्टेड हो रहा है। द सिविल वॉर कॉज द टेरिबल सेटबैक टू द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।